आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HTML में टेक्स्ट को कलरिंग कैसे देते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना नोटपैड ओपन कर लेंगे और यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे HTML इन अप बॉडी, उसके बाद पैरा लेंगे, पैरा को पूरा नहीं लेंगे, हाफ पैरा लेकर के छोड़ देंगे और यहीं पे कमांड टाइप होगा स्टाइल इज इक्वल टू डबल कॉलन दे करके कलर, फिर डबल स्विच ऑफ लगवा लेंगे और कलर का नाम लिखेंगे डबल कॉलन दे करके, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। तो कलरिंग का कमांड हमारा इतना ही है और यहाँ पे हम लिखेंगे आई एम ए रेड, रेड कलर लिया है हमने इसीलिए रेड लिख दिए और हम यहाँ पे पैरा को ख़त्म कर देंगे। और एक कलर लेने के लिए सिंपली पैरा लेंगे स्टाइल इज इक्वल टू डबल कॉलन कलर, डबल स्विच डबल कॉलन लेकर के यहाँ पे येलो सेमी कॉलन डबल कॉलन रोज और यहाँ पे ले लेते हैं आई एम ए येलो और पैरा क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे बॉडी को भी क्लोज कर देंगे और यहाँ पे HTML को भी क्लोज कर देंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करने का नाम जो भी लिखेंगे उसके लास्ट में डॉट HTML देंगे तभी आपका कमांड जो दिए हैं वो वर्क करेगा। तो अभी हमने कलर चेंजेस के नाम से दिया था, देखते हैं कलरिंग चेंज हुआ या नहीं। तो देखेंगे, मैंने दो कलर चूज़ किए थे, एक रेड और एक येलो, तो दोनों कलर काम कर रहा है। आप लोग इसी कमांड का यूज़ करके टेक्स्ट में कलरिंग दे सकते हैं बड़ी आसानी से। इस वीडियो में इतना ही।